नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र कुमार दहिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। पिछले वाले में हमने मशीन टूल मेट्रोलॉजी में लेथ मशीन के अलाइनमेंट टेस्ट के बारे में पढ़ा था, और उसके साथ ही अलाइनमेंट टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट इसके बारे में जाना था। इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ड्रिल मशीन के का अलाइनमेंट टेस्ट किस तरह से किया जाता है। तो ये हमारे पास एक पिलर टाइप ड्रिल मशीन है, इसके ये डिफरेंट पार्ट्स हमारे को शो किए हैं। ये इसका स्पिंडल है, ये स्पिंडल टेबल है, ये ड्रिल हेड गाइड है, ये स्ट्रेट एज है और ये बेस है। किस तरह से किस डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनकी हम किस तरह से अलाइनमेंट टेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाता है कि मशीन टूल मेट्रोलॉजी, जिसके बारे में पिछले चैप्टर में मैं बता चुका हूँ, एक बार उसको जस्ट रिवाइज कर लेते हैं कि द अलाइनमेंट टेस्ट ऑन द मशीन टूल इज कैरीड आउट टू चेक मैन्युफैक्चरिंग एक्यूरेसी ऑफ मशीन टूल। किसी भी मशीन टूल की एक्यूरेसी कितनी अच्छी है उसको चेक करने के लिए अलाइनमेंट टेस्ट करते हैं, इसको ज्योमेट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें जो भी गाइडवेज वगैरह होते हैं उनकी फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस इनको देखते हैं, इनको चेक करते हैं, ठीक है। द ज्योमेट्रिकल टेस्ट इज कैरीड आउट टू चेक ग्रेड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्यूरेसी दे। और प्रैक्टिकल टेस्ट इज कैरीड आउट टू चेक एक्यूरेसी ऑफ द फिनिश्ड कंपोनेंट। तो प्रैक्टिकल टेस्ट जो करते हैं, जिसको हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोलते हैं, वो भी करते हैं, वो एक्चुअल टेस्ट भी बना के उस तरह से करते हैं। ज्योमेट्रिकल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ चेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस मशीन एलिमेंट्स, जो मशीन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके जो मूवमेंट है, उनकी वेरियस पोजिशन है, उसको हम उससे चेक करते हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एक्चुअल जॉब, मतलब प्रैक्टिकल टेस्ट में एक्चुअल जॉब बनाया जाता है और उसको हमारा स्टैंडर्ड जो भी डिजाइन है उससे चेक करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग वो बनाया नहीं बना, ठीक है। इसमें एक टेस्ट जो अलग है, स्टैटिक टेस्ट, डायनामिक टेस्ट होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अलाइनमेंट टेस्ट, ज्योमेट्रिक टेस्ट, इसके बारे में पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ। ज्योमेट्रिक टेस्ट ऑफ वेरियस शेप इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस मशीन पार्ट्स। ऑन अदर हैंड सब्जेक्टेड टू टेस्ट आर स्टिफनेस, रिजिडिटी ऑफ टूल कंपोनेंट, क्वालिटी एंड एक्यूरेसी आर ड्रिवन मैकेनिकल। तो ये उसके लिए मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट में चेक किया जाता है। अब हम आ जाते हैं ड्रिल मशीन का अलाइनमेंट टेस्ट में क्या क्या चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो है प्रॉपरली वो इंस्टॉल, उसको इंस्टॉल करना, तो बहुत हॉरिजेंटल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ये सारे हो। इसके लिए फ्लैटनेस ऑफ क्लैंपिंग सरफेस ऑफ द बेस, जो बेस का जो है वो फ्लैट है यानी, इसको चेक करते हैं। तो स्ट्रेट एज ऑन द टू गेज ब्लॉक, ये स्ट्रेट एज जो होती है, ये स्ट्रेट एज, इसको टू गेज ब्लॉक के ऊपर रख देते हैं और फिलर गेजेस गिव्स द एरर। फिर फिलर गेजेस से हम इसको कितनी एरर है उसमें चेक करते हैं, इसके लिए स्प्रिट लेवल लगा के और हम उसको चेक करते हैं कि प्रॉपर हॉरिजॉन्टल है या नहीं। सरफेस शुड बी कॉनकेव ओनली, तो ये सरफेस बिल्कुल इस तरह से, यहाँ पे ये गेज ब्लॉक्स लगा देते हैं और ये आपकी स्ट्रेट एज है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है यानी, इस चीज़ को चेक करते हैं। फ्लैटनेस ऑफ क्लैंपिंग सरफेस ऑफ द टेबल, तो इससे हमारे को जो क्लैंपिंग सरफेस जो है यहाँ की, ये फ्लैट है यानी, इसको चेक करते हैं। परपेंडिकुलरिटी ऑफ ड्रिल हेड गाइड टू द बेस प्लेट, बेस प्लेट से ड्रिल हेड गाइड की जो है वो परपेंडिकुलर है यानी। द टेस्ट ऑफ द बोथ वर्टिकल प्लेन ए एंड इन प्लेन 90 डिग्री अबव द प्लेन, द फ्रेम ऑफ लेवल ग्रेजुएशन, इसमें ये दिया जाए, तो इसमें जैसे ये यहाँ पे हम ये फ्रेम लेवल लगा देते हैं। फ्रेम लेवल बेसिकली क्या है कि स्प्रिट लेवल टाइप होता है, लेकिन 90 डिग्री पे इन पे ये वो पोजीशन पर स्प्रिट लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रेम लेवल लगा के हम यहाँ पे इसकी तो हॉरिजॉन्टल है यानी चेक कर लेंगे, और इसी तरह से ये वर्टिकल है यानी इसको चेक कर लेंगे दोनों ही पोजीशन में। तो ये फ्रेम लेवल है, तो परपेंडिकुलरिटी ऑफ ड्रिल हेड एंड गाइड, ड्रिल हेड और गाइड इनकी प्रॉपर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलरिटी ऑफ ड्रिल हेड एंड गाइड विथ टेबल, इस टेबल के साथ इन दोनों को चेक करेंगे। फिर आता है परपेंडिकुलरिटी ऑफ स्पिंडल स्लीव विद द बेस प्लेट, जो बेस प्लेट है इसकी जो परपेंडिकुलरिटी, ये आपके ये जो है ना, ये वो है फ्रेम लेवल है, जिनमें एक्चुअल में रेक्टेंगुलर होता है बिल्कुल, और इसके अंदर स्प्रिट लेवल्स लगे रहते हैं दोनों साइड में, वर्टिकल साइड और हॉरिजॉन्टल दोनों साइड। जैसे यहाँ पे स्प्रिट लेवल है, इसी तरह से यहाँ पे भी स्प्रिट लेवल है, तो इसको यहाँ पे हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल है नहीं, ये वर्टिकल लेवल को बताएगा। द
perpendicular to a spindle sleeve on plate. The test of the both planes using frame level, the air should not exceed 0.25 in 1000 mm. ये इसमें हमारे को चेक करते हैं. फिर आता है ट्रू रनिंग ऑफ स्पिंडल टेपर. ये स्पिंडल जो है ये बिल्कुल ट्रूली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि डायल गेज को स्टेबल पे रख लेते हैं और इसके बाद डायल गेज के स्पिंडल को यहाँ पे ये मैंड्रिल लगा लेते हैं, इस मैंड्रिल से टच करके, और फिर हम इसको स्पिंडल को रोटेट करते हैं, रोटेट इट स्लोली. द एरर शुड नॉट एक्सीड, तो इसमें यहाँ पे एरर जो है 0.03 mm पर 100 mm से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए. पैरेललिज्म और स्पिंडल एक्सिस विद वर्टिकल एक्सिस, इसमें क्या करते हैं, ये आपका डायल गेज है, इस डायल गेज को ये मैंड्रिल जो है ये लगाया और इसके यहाँ पे टच करके रख देते हैं और अब हम क्या करेंगे, इस स्पिंडल को वर्टिकल पोजीशन में ऊपर या नीचे ले जाएंगे. इस केस में इसकी जो डायल गेज की रीडिंग देखेंगे दोनों ही तरफ, इस पोजीशन में भी और इस तरफ भी, ये दोनों इस एक्सिस पे भी और इस एक्सिस पे भी, ऐसे देख के और इसको चेक करेंगे कि ये, और ये जो एरर है 0.3 mm पर 100 mm से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए. इसी तरह से स्क्वेयरनेस ऑफ क्लैंपिंग सरफेस, जो ये क्लैंपिंग ये जो सरफेस है ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डायल गेज लगा देते हैं और डायल गेज का जो ये स्पिंडल है वो टेबल से इस तरह से टच करता है. अब हम क्या करेंगे, स्पिंडल को धीरे धीरे रोटेट करेंगे तो, और वो पूरे रोटेशन में इस डायल गेज की रीडिंग को नोट करेंगे और वो 0.5 mm पर 300 mm से डायमीटर से ज़्यादा वाले में नहीं आना चाहिए. ठीक है, देन स्क्वेयरनेस ऑफ स्पिंडल एक्सिस विथ टेबल, ये टेबल से इसका स्क्वेयरनेस है, इस तरह से हम इसको चेक करेंगे. यहाँ पे तो हम टेबल को रोटेट किया था और इसको फिक्स रखा था और इस वाले में ये सिमिलर है, यहाँ पे डायल गेज लगाए और अब हम इसमें स्पिंडल को रोटेट करेंगे, यहाँ पे स्पिंडल को रोटेट करेंगे और डायल गेज की रीडिंग लेंगे और वो एरर जो है वो भी 0.8 mm पर 300 mm या 0.5 mm 300 इन इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए. फिर है टेबल डिफ्लेक्शन, टेबल कितनी डिफ्लेक्ट रहती है उसके चेक करने के लिए ड्रिल हेड एंड टेबल आर अरेंज इन देयर मिडिल पोजिशन. ड्रिल हेड जो है ये और टेबल है ये इनके बिल्कुल बीच की पोजिशन में लगा देते हैं एंड डायल इंडिकेटर यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर हेड पे टच कर देते हैं और फिर हम इसको डायनोमीटर की रीडिंग को लेते हैं. डायनोमीटर में कितना उसका वो जैसे कितना लोड है, क्योंकि डायनोमीटर का बेसिकली ये है कि उसकी रिजिडिटी एक तरह से चेक हो जाए, तो उस केस में यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन आता है ये चेक करते हैं और वो डिफ्लेक्शन 0.4 mm से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इस तरह से ये आता है. तो ये कुछ जो टेस्ट है वो ड्रिल मशीन के ऊपर जो अलाइनमेंट टेस्ट है इस तरह से किए जाते हैं और इन टेस्ट से मशीन की एक्यूरेटली कितनी मशीन एक्यूरेटली काम कर रही है ये हमारे को पता चलता है. धन्यवाद.